अस्सलामुअलैकुम गाइस, उज़्मा का बर्थडे आ रहा है 16 जुलाई को, बट हम लोग इस बार मैं तो मम्मी को कहना चाह रही थी कि मुझे वीवर्स को सरप्राइज करना, लेकिन अम्मे ने माना और बर्थडे के बारे में बता दिया। हाँ तो सरप्राइज क्या है, वही तो बता रही हूँ कि इस बार बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकते क्योंकि इसका 16 जुलाई को बर्थडे आ रहा है और नया कपड़ा भी लेकर नहीं पहन सकती तू, यही तो बताना है, वरना अब तक के तो तेरे बर्थडे के ब्लॉग चालू हो जाते। देखो ये क्या कर रहा है, क्या उज़्मा के बर्थडे की शॉपिंग चालू है, ये है वो है। आदम सलाम करो, आदम सलाम करो, वालेकुम अस्सलाम। तो आज है 13 तारीख, लेकिन हम लोग ने अभी तक के उज़्मा के बर्थडे के लिए कुछ भी नहीं किया और कुछ सोचा भी नहीं, कुछ सेलिब्रेशन ही नहीं कर सकते बड़ा सा। मैंने सोची थी कि उज़्मा का भी बर्थडे, उज़्मा निकाल ज़रा, उज़्मा का भी बर्थडे ना आज़म की तरह कर दूँगी, हकीका कर देंगे उसके बर्थडे पे, 7वां बर्थडे है तो, लेकिन नहीं अभी नहीं कर सकते। तो मैंने उसको बोला कि ये जो फ्रॉक है ये 5th बर्थडे में हॉल में पहनी थी तूने, तो ये तूने एक ही बार पहना था, लगा के दिखा बेटा अपने ऊपर, तो यही पहन ले। और इसने ना ट्राई भी किया अभी और इसको ये आ भी रहा है, लेकिन थोड़ा सा जो है ना हाँ इधर से टाइट हो रहा है, तो ये जहाँ से लिए थे ना उनको ही बोलेंगे, क्योंकि हमने जब ये जब लिया था ना तो ये एक साइज़ बड़ा ही था उज़्मा के लिए, तो हमने ये ऊपर से फोल्ड करवाया था दोनों साइड से, तो ये वो खोल देंगे ना तो इसको प्रॉपर आएगा, यहाँ से चुभेगा नहीं। लेकिन मैं ये नहीं खोलना चाहती, मैं रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि ये फ्रॉक समथिंग 5000 का आया था, 4700 या 800 का कुछ था, तो अभी मैं कुछ कलाकारी करते बैठूँगी तो डैमेज हो सकता है, इसलिए मैं सोची अब इसको निकाल के रखती हूँ, कल आपके भाईजान को बोलूँगी, वो जाके जहाँ से हमने ये लिए वहीं से अल्ट्रेशन करा के लेके आ जाएंगे। उन्होंने बोला था जब भी कुछ भी करने का रहेगा तो आ जाना, ऑब्वियसली 5000 की चीज़ है, एक ही बार पहनी है बच्ची तो वापस पहन लेंगी। तुझे कोई गिले शिकवे है इससे? हाँ तुझे कोई गिले शिकवे है कि तुझे नया कपड़ा नहीं दिला रहे बोल के? नहीं ना, चलो वो खैर। गाइस बताना आप लोग मेरा डिसीजन कैसा लगा आप लोगों को, और बर्थडे में क्या करेंगे वो कुछ नहीं मालूम, खाली इतना मालूम है बर्थडे में ये उज़्मा पहनने वाली है। और उसकी तो बड़े बड़े वो थे कि अम्मी मुझे फॉन्डेंट केक चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, बहुत अरमान सजा के बैठी थी मेरी बच्ची, लेकिन नहीं करेंगे ऐसा कुछ भी। ये उठ, नहीं वो बॉक्स दे, इतने साल से संभाल के रखी, 2 साल से, उठ उज़्मा दे वो पैकिंग का बॉक्स, से फटफट पिट जाएगा, निकाल, मेरी तबीयत ठीक नहीं है गाइस। सो गाइस मुझे ये जैसे रिसीव हुआ था जहाँ से मैंने ये ली थी वैसे ही मैंने इसको पैकिंग कर दिया है और ये मैं रख देती हूँ, कल संडे है, आपके भाईजान इसको जाके अल्टर करा के लेके आ जाएंगे। तो ऐसे हटो, तुमने सही से सलाम भी नहीं किया आज, हटो, जाने दो मुझे, बाहर जाने दो मुझे, जाने दो। तो गाइस आज खाने में ना कुछ भी नहीं बनाया ज़्यादा, मैंने आज खिचड़ी बनाई है, सादी खिचड़ी सफ़ेद, ये देखिए खिचड़ी रेडी हो गई है, अब जा रही थी आज़म को खाना खिलाने के लिए। अच्छा अच्छा, अस्सलामु अलैकुम, कैसे आप सब? तो आज है सेकेंड डे, अस्सलामु अलैकुम, कैसे आप सब? तो आज़म अभी नहा के आया है, उज़्मा का ये है स्कूल, और मैं यहाँ पे आज़म के लिए एप्पल बॉईल कर रही हूँ। आप लोगों को पता है एप्पल वो कच्चा नहीं खाता है, तो बॉईल करके ही उसको मैं ये मैश करके खिलाती हूँ। और आज टिफिन के लिए बना था उज़्मा के उपमा, और यहाँ पे ये मैंगो आए थे कल, तो उसको मैंने पानी में भिगा कर नहीं रखा था, उसको ऐसे ही रख दिया था, तो अभी मुझे याद आया तो मैंने उसको पानी में भिगा दिया। हाँ आज़म, तो टिफ़िन में ये बना था, तो मैंने आपके भाईजान का भी नाश्ता इसी में यही बना दिया था आज। और ये देखिए ये है मेरा जीरा वाला पानी जो मैं पीती हूँ सुबह सुबह, निहार पेट नहीं पीती हूँ, सब कुछ होने के बाद दोपहर में पीती हूँ, लेकिन खाना खाने के पहले पीती हूँ। तो ये है मेरा लंच बनाने के लिए, मैंने ये रात ही में भिगा दिया था मूंग की दाल, तो ये बनाएंगे आज। और एक्चुअली मैं नाश्ता भी नहीं करती हूँ, मैं लंच से पहले ये लेती हूँ, नाश्ता तो मैं करती ही नहीं हूँ, तो ऐसा बहुत रेयर, बहुत रेयर, बहुत रेयर, बहुत ही ज़्यादा। अरे क्या कर रहे हैं तुम, मत फेंको, ऐसे फ्रूट्स ख़राब हो जाएंगे, ऐसा नहीं करते, गंदी बात, अच्छी बात नहीं है ये बिल्कुल भी, अरे नहीं। सो गाइज उज़्मा का जो फ्रॉक है ना आपके भाईजान ने वो कल देखे आए हैं और वो आज मिलेगा, नहीं फेंको आज़म, क्या हुआ? सो गाइज देखो यहाँ पे ना बैल्कनी हम लोग ने क्लीन कर दिए हुए हैं, मतलब उस दिन आप लोगों ने देखा था कुछ 5-6 दिन पहले की बात है,
तो यहाँ पे बहुत सारा पसारा पड़ा हुआ था और कबूतर भी थे, तो आप लोगों ने बोले कि कबूतर के जो पॉटी है उससे लीवर और पता नहीं किडनी पे कुछ फर्क पड़ता है, आप लोग बोल रहे थे। तो वैसे भी बहुत ज़्यादा पसारा हो गया था और वो जो दो बच्चे थे ना कबूतर के वो भी उड़ने लायक हो गए थे बोल के हम लोग ने यहाँ से सब क्लीन कर दिया। हमेशा हम लोग सोचते थे क्लीन करने का बट नहीं कर पाते थे क्योंकि उधर पे कभी अंडा रहता था, कभी बच्चे एकदम मासूम रहते थे, मतलब हटाने का दिल नहीं करता था। लेकिन इस टाइम जो है ना बच्चे अच्छे खासे बड़े हो गए थे, उड़ने लायक हो गए थे, तो हमने हटा दिया, सारा कुछ साफ कर दिया है और यहाँ की फल्ली उठा के हमने रख दी ना। अब यहाँ पे फल्ली रहेगी ना, उन लोगों का घोंसला बनेगा ना। अरे यार आजम तू भी ना क्या अजीब है, फिर भी कबूतर आते हैं और पोटी करके जाते हैं। तो खैर कोई नहीं, अब ये जाएगा धोने में क्योंकि आजम ने बाहर फेंक दिया, आजम का यही काम है यहाँ खड़े रह के सामान बाहर फेंको। तो ऐसा है, वैसे मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। आज की जो बारिश है ना सुबह में जो हो रही थी वो एकदम स्ट्रेट बारिश हो रही थी, एकदम स्ट्रेट ना, ऐसी ना वैसी एकदम स्ट्रेट बारिश हो रही थी, जैसे फिल्मी बारिश होती नहीं क्या वैसी हो रही थी, जैसे कोई नल चालू कर रखा है वैसा, शावर झरना जैसा, शावर जैसा, झरना नहीं शावर जैसा। तो ऐसा है, आजम सो गया तो मैं आ गई किचन के अंदर, सोचा दाल को बघाड़ दे दूँ मसाले वाले। दाल बना रही हूँ ग्रीन मूंग मतलब के हरा मसाला पीस के बना रही हूँ। तो इसमें मैंने अदरक लहसुन कोथमीर हरी मिर्ची ये सारी चीज़ें ले ली हैं और थोड़ा सी गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, मतलब गोश्त के सालन के, गोश्त नहीं है बाकी मसाला मैं वही ले रही हूँ। गरम मसाला भी मैंने इसमें ही ऐड कर दिया, हल्दी की बुक्की धनिया की बुक्की भी मैं इसमें ही ऐड कर दूँगी। मैंने नया चॉपर भी मंगा लिया है ये वाला, पहली बार मेरे पास ग्रीन कलर का था, ये ग्रे कलर का है ना। ये चॉपर तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, इतना बारीक हुआ ना कांदा, और बारीक हो सकता था पर मैंने रोक लिया। इसकी ब्लेड बहुत अच्छी है और इसका जो है ना ये क्या बोलते हैं ये बहुत स्मूथ चल रहा है, बहुत अच्छा लगा मुझे ये। मैंने ये अमेज़ॉन से लिया है, अमेज़ॉन से लिंक में लगा दूंगी, अगर आप लोगों को बाय करना होगा तो कर सकते हैं। इसी शायद ये ब्लॉग में मेरा फेस एक भी बार नहीं दिखा है, बस शूट हो रहा है पर खाली कंटिन्यूसली ऐसा लग रहा है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है ना, मेरा मन नहीं कर रहा फेस करके बात करूँ, फिर आप लोग बोलोगे नाजिया जरा सी भी मतलब वो नहीं है, एक्टिव नहीं लग रही, क्योंकि कैमरे पर फेस लाओ तो हंसी के साथ लाओ। मसाला मैंने पीस लिया, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया, हरा मसाला, गरम मसाला और धनिया की बुक्की और हल्दी की बुक्की। मसाला थोड़ा पक गया है तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी टमाटे, अब साथ ही साथ ऐड करूंगी इसमें नमक। शायद मेरा ये ब्लॉग में फेस आएगा ही नहीं मुझे ऐसा लग रहा है।
तो मसाला भुन गया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी दाल, और दाल के साथ बड़े बड़े चार टुकड़े आलू, ठीक है। और पानी भी ऐड कर दूँगी मैं, क्योंकि वॉश किया हुआ पानी है ये। थोड़ा और नमक ऐड कर रही हूँ, और थोड़ा और पानी ऐड करूँगी, और इसको 3-4 सीटी लगा दूँगी। 2 दिन से वैसे भी मेरा व्लॉग आया है नहीं, आज मैं इंशाल्लाह व्लॉग डाल के रहूँगी। अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब। तो फाइनली मैं आ गई हूँ व्लॉग के अंदर, अपना चेहरा लेके सूजा हुआ, देख रहे हो आप लोग, आंखें सूजी हुई है, फेस थोड़ा अजीब सा लग रहा है मेरा। कोई नहीं, आवाज़ भी आप देख रहे हो, आवाज़ भी थोड़ी सी बदली बदली सी हो गई है। सेंटेंस भी कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि तबीयत अंदर से ही ठीक नहीं लग रही है। और सर्दी भी हुई थी मुझे परसों, अभी सर्दी ठीक है, लेकिन फिर भी गला बैठा हुआ है, आप लोगों को महसूस हो रहा होगा। आज़म अभी भी सो रहा है, और कुकर की सीटी बंद हो गई है, आटा गूंद के मैंने रखा है, अभी रोटियां बना दूंगी। और बारिश तो माशाल्लाह से धीमी धीमी से अभी भी आ ही रही है। 16 जुलाई को उसको कैसे हैप्पी करूँ मैं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। और ये भी बताओ कि मैंने 228 रुपये का उसके लिए क्या गिफ्ट लिया रहेगा, जिसको देख के वो पूरा दिन इंजॉय करेगी, ठीक है। और अगर आप लोगों के पास कोई सजेशन है तो आप लोग बताइएगा ज़रूर, कि मैं किस तरह से उसको खुश करने की कोशिश करूँ। ये देखो, ये है मेरी बेटी का गिफ्ट, भीग गया, ये भी वो डिलीवर किए भीग गया है। ये मेरी उजमाई खोलेगी और वो खुश हो जाएगी, और मैं उसको आज ही दे दूँगी खोल बोल के। तो इसमें लगी रही हो, तो दाल अपनी पूरी अच्छी तरीके से गल गई है, मैंने इसमें थोड़ा पानी ऐड किया और बॉईल करने के लिए रखा है। अब साथ ही साथ मैं इसके अंदर कोथमीर ऐड कर दूँगी। फाइनली ये रेडी हो चुका है। सो गाइस, रोटियां भी पक चुकी है और मुझे भी लग गई है भूख, 4 बज रहे। अब मैं खाऊंगी खाना। बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो, बाय करो, इधर देखो, बाय करो, नहीं करेगा, अल्लाह हाफिज कर दे बाबा, अल्लाह हाफिज कर दे, नहीं करेगा, नहीं, लाइक करो, बोलो लाइक करो, लाइक, अच्छा 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 बोलो, अच्छा, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अल्लाह हाफिज, बाय। करना बाय, okay. लगेगा आ गया। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? नहीं, नहीं, नहीं। सर ठोकता डर के सर पटकता हिल लगा। वो मैं थोड़ी सी हल्की रोटी है इसके, खा लो जल्दी।